आप सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मशहूर और कमाल के अभिनेता हैं। उनका मुंबई में एक घर बनाने का सपना था जो ताजमहल जितना सुंदर हो। उन्होंने 6 बेडरूम, 2 बड़े हॉल और 2 विशाल लॉन के साथ एक आलीशान सफेद और बेहद खूबसूरत घर का निर्माण किया। घर की पहली मंजिल पर पौधे उगाने के लिए बड़ी जगह है, क्योंकि नवाज को हरियाली बहुत पसंद है और वह चाहते थे कि उनका मुंबई वाला घर उन्हें गांव में उनके घर की याद दिलाए। उनके दिमाग में अपने सपनों के घर की हर इंच का एक सटीक नक्शा था और वे इसे ठीक उसी तरह बनाना चाहते थे जैसे उन्होंने सोचा था। नवाज ने अपने पिता नवाब के नाम पर अपने सपनों के घर का नाम नवाब रखा था। हैरानी की बात यह है कि नवाज ने अपने सपनों के घर में एक इंच भी समझौता नहीं किया। अगर उनकी गैर मौजूदगी में जरा सा भी गलत निर्माण हो जाता तो वे समझौता नहीं करते। वह उसे तोड़ देते और मजदूरों से कहते कि जैसे उसने योजना बनाई थी वैसे ही फिर से बना ले। उन्होंने जो सपना देखा था उसके निर्माण के लिए वे एक इंच का भी अंतर स्वीकार नहीं करते थे। हे भगवान, उन्होंने तोड़ने और पुनर्निर्माण में बहुत पैसा खर्चा किया। अब ये आलिशान घर एक भयानक महल में बदल गया है, क्योंकि उनकी पत्नी आलिया नवाज की मां मेहरुनिसा के साथ संपत्ति की लड़ाई लड़ रही है। आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और इसके कैप्शन में लिखा, दुबई से आने के बाद मैं और मेरे 2 बेटे बड़े से बेडरूम होने के बावजूद और संपत्ति के मुद्दे के कारण हॉल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ 2 सोफा सेट जोड़कर सो रहे हैं। हमें मेहमानों के लिए बने एक छोटे से शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमें खाना और आरामदायक नींद नहीं दी गई है। घर में बहुत सारे बेडरूम हैं जिन पर मेरी सास ने ताला लगा दिया है और वह मुझे उनका इस्तेमाल नहीं करने दे रही है। मेरे पति नवाजुद्दीन मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं या मेरे लिए खड़े होने में भी सक्षम नहीं है। क्या मेरे ससुराल वालों का उत्पीड़न कभी खत्म होगा? अंधेरी कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को मामला लिया था और न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तभी आराम पर पाऊंगी जब यह सारी पीड़ा और यातना समाप्त हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि यह कब खत्म होगा। आलिया ने यह भी कहा, यहाँ तक कि मेरे वकील को भी अदालत के कागजात पर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए घर में आने की इजाजत नहीं है। मेरे चारों तरफ सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोई गोपनीयता नहीं है और कोई शांति नहीं है। मेरे वकील जो कोर्ट के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहते हैं उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वे मुझे खाना और बेडरूम नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कर सकते हैं। अजीब परिवार है और नवाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। नवाजुद्दीन के वकील नदीम जाफर जैदी ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दावा किया कि आलिया की अभी भी अपने पहले पति विनय भार्गव से शादी बनी हुई है, क्योंकि उसने आधिकारिक तलाक नहीं लिया है, नवाज से उसकी शादी अवैध हो जाती है। नवाज की मां ने भी बयान दिया था कि आलिया का बेटा रिजवान सिद्दीकी नवाज का वैध बेटा नहीं है और वह उसकी असली दादी नहीं है। आलिया ने इन झूठे बयानों से भड़क कर कहा कि लड़का नवाज का बेटा और मेहरुनिसा का पोता है। उसने कहा कि वह समझ नहीं पा रही है कि उसकी मां झूठ क्यों बोल रही है।
आलिया ने यह भी सवाल किया कि मेहरुनिसा इस बारे में कोर्ट में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रही है। इन आरोपों ने आलिया के वकीलों को भ्रमित कर दिया, जिन्होंने कहा कि वे बच्चे की वैधता साबित करने के लिए डीएनए प्रशिक्षण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आलिया ने कहा कि उसकी सास ने अदालत को गुमराह करने और न्याय में देरी करने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। इस बीच खबरों के अनुसार अपनी मां और पत्नी के बीच फंसे नवाज एक होटल में रह रहे हैं और तब तक वही रहेंगे जब तक कि उनके वकील इस मसले को सुलझा ना ले। कितनी गड़बड़ है। रिपोर्टर के मुताबिक पारिवारिक कलह के चलते नवाज को अपने सपनों का घर छोड़कर एक होटल में रहना पड़ रहा है।